हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ बूंदी के लड्डू। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बूंदी के लड्डू तो दीपावली में बहुत ही खास होता है। मतलब बूंदी के लड्डू हम पूजा में लाते ही हैं, तो इस बार हम मार्केट से नहीं लाएंगे, इस बार हम घर में ही शुद्ध लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट से बन जाएगी। तो चलिए आप भी स्टार्ट कीजिए और अब हम भी स्टार्ट करते हैं बूंदी के लड्डू बनाना। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है: बेसन, चीनी, घी, बेकिंग सोडा, मगज, इलायची पाउडर और फूड कलर, और फ्राई करने के लिए हमें तेल चाहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन को ले लिया है, इसमें हम बेसन को डालेंगे और बेकिंग सोडा को, और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक हम बैटर तैयार करेंगे और इसे अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसका हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। घोल को हमें ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और इसे हाथ से हमें फेंटना है। हाथ से इसे लगातार हम फेंटेंगे, एक ही तरफ से हम इसे फेंटेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब बेसन अच्छी तरह से फूल जाएगा तो हमारा जो बूंदी है वो अच्छे से फूला फूला हमारा बूंदी तैयार होगा। इसे हम अच्छी तरह से हाथ से फेंट लेते हैं, एक ही तरफ से हमें राउंड राउंड घुमा के इसे फेंटना है। देखिए हमारा जो बैटर है वो अब तैयार हो चुका है। बैटर को हमने फेंट के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं और इसे हम कलछी से राउंड राउंड घुमाते हुए और फूड कलर को हम बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने कलर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और कलर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो हम गैस पे कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। हम तेल में थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर रहे हैं। देखिए बैटर डालते ही ये ऊपर आ गया, मतलब हमारा जो तेल है वो परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम बूंदी इसमें फ्राई करेंगे। हम एक झारा लेंगे जिसे हम पूरी तलते हैं, बस वही वाला हमें झारा लेना है, कोई अलग से हमें कुछ भी इसमें नहीं लेना है। तो अब हम इसे ले लिए हैं और इसके ऊपर हम बैटर को डालेंगे। बैटर को डाल के और इसको कलछे से हल्का सा हम ऊपर से प्रेस करते जाएंगे ताकि बूंदी जो है वो हमारा आसानी से नीचे गिरते रहे। देखिए कितना अच्छा हमारा गोल गोल बूंदी तैयार हो रहा है और इसको हल्का हल्का हम ऊपर से प्रेस करते रहेंगे, या तो कलछी को राउंड राउंड हम उसी झाड़े पे घुमाएंगे तो भी बूंदी हमारा बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। देखिए इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे राउंड राउंड। बस अब हम झाड़े को हटा लेते हैं और जो भी बूंदी हमारा तेल में गिरा है उसे हम चला लेंगे। इसे हम कलछी से अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बूंदी को हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना होता है तो इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, और बस बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा जो बूंदी है वो हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारे बूंदी को हम अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। सारे बूंदी को हम निकाल लिए हैं और वापस से उसी कलछी पे हम बैटर को डालेंगे और इसे हम कलछी से ऊपर से हल्का हल्का राउंड राउंड घुमाएंगे और बूंदी हमारा नीचे गिरते जा रहा है। बस सेम प्रोसेस से हम सारे बूंदी को तैयार कर लेंगे। देखिए हमने बूंदी को तैयार कर लिया है, इसे हम चलाते हुए निकाल लेंगे। और अब हम चाशनी के लिए एक पतीला को चढ़ा दिए हैं, इसमें हमने पानी को डाल दिया है। हमारा एक कप चीनी है तो हम इसमें आधा कप पानी को डाले हैं और अब हम इसमें चीनी को डाल दिए हैं, और अब हम इसे चलाते हुए चीनी को पिघलने तक इसे हम पहले उबालेंगे। लगातार चलाते रहेंगे और चीनी के घुलने का हम वेट करेंगे। तो देखिए चीनी हमारा घुलना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही जल्दी चीनी मेल्ट होके तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा जो चीनी है वो घुल चुका है। अब हम एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। देखिए अभी ये तैयार नहीं हुआ है, ये आसानी से गिर रहा है, मतलब हमारा जो चाशनी है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। अब हम इसमें इलायची पाउडर को डाल देते हैं और इसे हम मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। चाशनी को हमें छोड़ना नहीं है, इसे हमें लगातार चलाते रहना है। ये हमारा चाशनी तैयार हो चुका है तो हम इसे उतार लेते हैं। तो अब हम दूसरा पैन चढ़ा दिए हैं, अब हम इसमें मगज को फ्राई करेंगे। तो पैन हमारा अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। अब घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो हम इसमें मगज को डाल देते हैं और इसे हम भून लेते हैं। मगज को भूनने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम मगज को भून के फिर लड्डू में हम डालेंगे। तो मगज हमारा भून चुका है और इधर चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो हमने जो बूंदी तैयार किया था उसे इसमें हम डाल देते हैं। सारे बूंदी को हम चाशनी में डाल देंगे
और मगज के बीज को भी। सारी बूंदी को हम चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए चाशनी में हम बूंदी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अच्छी तरीके से हम इसे दबा दबा के मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे छोड़ देते हैं और इसके ऊपर अब हम एक ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो चुका है तो अब हम हाथ में घी को लगा लेते हैं और अब हम लड्डू को बनाएंगे। तो हम बूंदी को हाथ में ले लेते हैं और इसे हम हाथ से प्रेस करेंगे और इसे हम गोल शेप में तैयार करेंगे। तो देखिए अब हम गोल गोल इसका लड्डू तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा जो लड्डू है वो अब बन चुका है। तो बस सेम प्रोसेस से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। आप अपने पसंद से लड्डू को छोटा या बड़ा शेप में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारा लड्डू को बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए सारे लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया है। सारा लड्डू हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।